नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई नवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। बता दें कि बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बता दें कि दरअसल श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। आज तक किसी भी बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह टाइम आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा था। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। बता दें कि दरअसल संदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील होने के बाद अंपायर ने मैथ्यूज के पास गए और उन्हें वापस जाने को कहा। बता दें कि इसके बाद एम्पायर और मैथ्यूज बहस कर रहे थे, लेकिन अंततः श्रीलंकाई खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। नियम जो है 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट जो है मिलते हैं, और जो है 3 मिनट के अंदर तैयार होना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी टाइम आउट के लिए अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि टाइम आउट के चलते किसी भी खिलाड़ी को जो है वो पवेलियन लौटना पड़े बिना किसी गेंद खेले। तो कहीं ना कहीं अब ये क्रिकेट में एक जो है नया ट्रेंड सामने आया है, नया विवाद खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर अब सुर्खियां लगातार बन रही हैं। फिलहाल जो है एम्पायर के इस डिसीजन पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहें नेक्स्ट नई नवाज़।